उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लव जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद करने वाले अगर नहीं सुधरे तो अब राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर भी 3 नवम्बर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। शनिवार को यहाँ पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे और एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी छिपे नाम छुपा कर और धर्म छुपा कर जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी है, अगर वे नहीं सुधरे तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे नाम छुपा करके स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यह है कि हम हर बेटी को हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। रिपोर्ट PTNI न्यूज ब्यूरो जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।